तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वॉच टाइम कैसे बढ़ा है। दोस्तों अगर आपका 4000 ओवर का वॉच टाइम बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप एकदम सही वीडियो पर आ गए हो। ये वीडियो देखने के बाद आपका 4000 ओवर का वॉच टाइम बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। दोस्तों मैं दो टिप्स देने वाला हूँ, एक दोस्तों उनके लिए जो बिल्कुल नए यूट्यूबर्स है और एक टिप्स उनके लिए जिनका थोड़ा बहुत चैनल 5-6 महीने से चल रहा है लेकिन उनके चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे, उनको वॉच टाइम नहीं मिल रहा है, तो दूसरी ट्रिक उनके लिए होने वाली है। तो दोस्तों अपन सबसे पहली ट्रिक की बात कर लेते हैं। आपको क्या करना होगा, वीडियो को एंड तक देख लीजिए ताकि आपकी पूरी हेल्प हो जाए और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़े और आपके 4000 और का वॉच टाइम बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। मैं हूं हिम किंग और ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप बनने वाले हैं किंग। अभी तक आपने हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है गाइस तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी डेली टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वॉच टाइम कैसे बढ़ाए। दोस्तों 4000 ओवर का वॉच टाइम बढ़ाना बहुत ही आसान है लेकिन अगर आपके 4000 ओवर का वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है तो आप एकदम सही वीडियो पर आज आ गए हो और ये वीडियो देखने के बाद आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है, आपका फ़ायदा होने वाला है, आपका चैनल भी मोनिटाइज एक ही दिन के अंदर हो जाएगा। बस आपको क्या काम करना है वो आप ये वीडियो पूरी देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना होगा वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जैसे आपका यूट्यूब चैनल आपको ओपन कर लेना है और जैसे ही आप यूट्यूब ओपन करते हो फिर आपके लोगो पर यहां पर आपको आ जाना है, फिर आपको योर चैनल पर आना है और यहां पर आपकी वीडियोज में आ जाना है। अब आपको सबसे पहले क्या देखना है कि दोस्तों आपकी कौन सी वीडियो जिस पर आपको सबसे ज्यादा व्यूज मिले हैं उस वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। वैसे आपके चैनल पर मान लीजिए अभी आपको 5-6 मंथ हुए, यानी कि ये थोड़ी दोस्तों जो पुराने यूट्यूबर है उनके लिए 5-6 मंथ हो गए, 6-7 महीने हो गए या फिर साल भर हो गया, उनको बिल्कुल भी वॉच टाइम नहीं मिल रहा है, उनका चैनल मोनिटाइज नहीं हुआ है, तो ये ट्रिक सिर्फ उनके लिए होने वाली है। तो सबसे पहले आपको यहां पर ये देखना है कि आपकी कौन सी वीडियो सबसे ज्यादा व्यूज लेकर आ रही है। मान लीजिए आपके 50, 100, 400, 500 से ज्यादा व्यूज नहीं आए हैं तो भी दोस्तों आपको निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि 500 व्यू ही बहुत है। क्योंकि दोस्तों आपको अब क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आपकी भी कोई एक वीडियो है उस पर 500 व्यू आए तो अब आपको क्या करना है कि उसी टॉपिक पर फिर से वीडियो बनानी है ताकि आपकी दोस्तों पब्लिक को यही वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस टॉपिक पर फिर से वीडियो बनाओगे तो आपको 500 से ज्यादा व्यू मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आपको क्या करना है कि जिस वीडियो पर 500 व्यू आए, 250 व्यू आए, 300 व्यू आए, यानी कि आपकी पब्लिक इस वीडियो में इंटरेस्ट ले रही है तो इस टॉपिक पर फिर से आप वीडियो बना दीजिए, आपकी पूरी हेल्प होगी और आपकी वीडियो एकाधी वायरल होने के चांसेस भी रहेंगे, यानी कि आपको वॉच टाइम कंप्लीट करने में आपकी ये वीडियो मदद करेगी। यानी कि जिस वीडियो पर आपको ज्यादा व्यू आए वो वीडियो आप बनाते रहिए, वीक में एक बार बनाइए, वीक में दो बार बनाइए और जैसे जैसे आप आगे आगे और थोड़ा बहुत अपडेट भी देते रहिए। जैसे आपने पुरानी वीडियो बनाई है उसमें आपने थोड़ी सी कम बातें बताई है लेकिन आप जो नई वीडियो बना रहे हो उसमें आप अच्छे से जानकारी जुटाइए और थोड़ा बहुत अपडेट जानकारी दे दीजिए, यानी कि लेटेस्ट जानकारी दीजिए। इससे क्या होगा कि दोस्तों आपकी जो पुरानी वीडियो पर 500 व्यू आए हैं, आपकी वीडियो पर जैसे 500 व्यू आ गए हैं तो अब आपको क्या होगा कि 500 से ज़्यादा व्यू ही मिलेंगे क्योंकि आपकी पब्लिक को इसी टाइप की वीडियो चाहिए तभी आपको 500 व्यू मिले हैं, इसलिए आप उसी टॉपिक पर काम कीजिए ताकि आपका चैनल बहुत जल्दी मोनिटाइज हो जाए। तो इस तरीके से आपको वो वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जिस पर आपको ज़्यादा व्यूज़ मिले ताकि आपका चैनल मोनिटाइज हो जाए, आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। अब आपको दोस्तों मैं दूसरी ट्रिक बता देता हूँ जो न्यू यूट्यूबर्स के लिए है। दोस्तों उनका अगर बिल्कुल भी वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा, उनको चैनल बनाए हुए अभी 7-8 दिन हुए, 10 दिन हुए, 12 दिन हुए या फिर 1 महीना हुआ है तो उनको बिल्कुल भी वॉच टाइम नहीं मिल रहा, उनको बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं मिल रहा है तो फर्स्ट ट्रिक तो उनके लिए नहीं है। लेकिन मैं सेकंड ट्रिक बताने वाला हूँ, जैसे आपके घर के अंदर फ़ोन होता है पापा का, मम्मी का, भाई का, सिस्टर का या फिर किसी कज़िन वगैरह का, फ्रेंड वगैरह का, तो फ़ोन तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे तो उनको क्या करना है कि दोस्तों उनके फ़ोन के अंदर जो आप वीडियो अपलोड करते हो, जैसे आपकी वीडियो पर 5 व्यू आ रहे हैं, 10 व्यू आ रहे हैं, 15 व्यू आ रहे हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। जैसे ही आप वीडियो अपलोड करते हो तो फर्स्ट व्यू आपके जो रिलेटिव्स है, भाई, मम्मी, पापा, ब्रदर, सिस्टर या फिर फ्रेंड, तो उनके मोबाइल में आपको देखना है और वीडियो को पूरी वॉच करनी है ताकि आपको क्या होगा कि दोस्तों अगर आपने 5-6 फोन के अंदर वीडियो अच्छे से देख ली तो यूट्यूब के पास अच्छा इंप्रेशन जाता है और यूट्यूब के पास जब अच्छा इंप्रेशन जाता है तो वो वीडियो को आगे पुश करता है और आपकी चैनल को मोनिटाइज करने में काफी मदद करता है, आपको वॉच टाइम करने में काफी मदद मिलेगी। अगर आप स्टार्टिंग में से 5-6 मोबाइल में वीडियो देख लोगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा और आपका इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा। इंप्रेशन अच्छा होने से दोस्तों फिर पब्लिक भी आपकी वीडियो को पूरी वॉच करेगी और आपका 4000 ओवर का वॉच टाइम बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा आपको क्या करना है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी है, वो बात क्या है दोस्तों कि आपका जैसे खुद का चैनल है तो खुद की आईडी से, जैसे खुद के चैनल से खुद की वीडियो आपको बिल्कुल भी नहीं देखनी है दोस्तों, इससे यूट्यूब पर गलत इंप्रेशन
जाता है, यूट्यूब के पास गलत इंप्रेशन जाता है और आपकी वीडियो को दोस्तों फिर वो यूट्यूब का इंप्रेशन नीचे गिरा देता है। तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपके खुद के चैनल से ही आपकी वीडियो देख रहे हो। अगर खुद के चैनल से आपकी वीडियो देखोगे तो आपका दोस्तों चैनल डीमोनिटाइज हो जाएगा। वैसे तो अभी आपका चैनल मोनिटाइज ही नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आप किसी अदर पर्सन के मोबाइल के अंदर आपकी वीडियो देख सकते हो, वो भी आपको सर्च करके देखनी है। दोस्तों सर्च करके देखोगे तो आपकी वीडियो यूट्यूब सर्च में चढ़ेगी, सर्च में चढ़ती है तो आपको भी पता है व्यूज़ लेकर आएगी, सब्सक्राइबर लेकर आएगी और आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट करवा देगी। तो आशा करता हूँ आपको मैंने पूरी दो टिप्स दिए और दोनों टिप्स दोस्तों एक न्यू यूट्यूबर्स के लिए दिए और एक जो दोस्तों 5-6 महीने से काम कर रहे हैं, साल भर से काम कर रहे हैं, थोड़े पुराने यूट्यूबर हैं, उनके लिए भी टिप्स दिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा ऐसी डेली टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आता रहता हूँ और अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिएगा हमारा अपना हिमकिंग टिप्स।